राजस्थान के किसानों और व्यापारियों को इस साल प्याज के भावों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद थी, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश के कारण खेतों में प्याज की फसल खराब हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण सबसे ज्यादा प्याज अलवर और जयपुर जिले में खराब हुई है। इन दोनों जिलों से प्याज दिल्ली और हरियाणा में भेजी जाती है। अलवर जिले में कई किसानों ने तो प्याज की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर ही चला दिया है। ट्रैक्टर चलाकर प्याज को नष्ट करके अगली फसल की तैयारी की जा रही है। किसानों ने बर्बाद हुई प्याज की फसल से परेशान किसानों को राहत देने के लिए मुआवजे की मांग की है। किसानों की मांग है कि हमेशा के लिए फसल बीमा कंपनियों को प्याज की फसल का बीमा करना चाहिए, यह अब तक नहीं किया जा रहा है। इस मामले में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का कहना है कि बारिश के कारण कई जिलों में प्याज की फसल खराब होने की जानकारी मिली है। सबसे ज्यादा नुकसान अलवर जिले में हुआ है, सरकार इसकी जानकारी करा रही है, इसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अलवर जिले में करीब 30,000 हेक्टेयर में खेत में प्याज बोई गई थी। किसानों का कहना है कि एक हेक्टेयर के खेत में प्याज पैदा होने तक करीब 1,00,000 रुपए का खर्चा होता है। अलवर के किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर प्याज की फसल बोई गई थी, लेकिन अब तक बारिश के कारण प्याज खराब हो गई तो कर्ज ज्यादा बढ़ जाएगा, सरकार को राहत देनी चाहिए। कोट पुतली के किसानों की माने तो लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों से प्याज को नष्ट करके सरसों की फसल बोने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान के अतिरिक्त देश के आधा दर्जन राज्यों में प्याज की पैदावार होती है। साल 2019 में एक बार ऐसा मौका भी आया था जब भारत में प्याज के भार 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे। इसके बाद अफगानिस्तान से करीब 2000 टन प्याज का आयात किया गया था। इसके बाद प्याज के भावों में एक कमी आई थी। फसल खराब होने से इस बार फिर प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बार अलवर जिले में 640 mm बारिश हुई है, जो कि सामान्य से काफी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।